हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम चेंज हो गया है। पहले स्मार्ट इंडियन यूट्यूबर था, अब हो गया है इंडियन यूट्यूबर शारिका, क्योंकि इसमें मेरा नाम आ रहा है। सो मैंने चेंज करने को सोचा था। और अभी हस्बैंड आ चुके हैं और उनके लिए मैं आज चाय वाय बनाई थी, और ज्यादा कुछ आज नाश्ते में नहीं बनाई क्योंकि थोड़ा सा कम टाइम था और मैं दोपहर में लेटी हुई थी और खाना खाने के बाद मैं सो गई थी थोड़ा सा। उसके बाद फिर से मैं इस टाइम पे, टाइम हो रहा है 5 बजने वाले, अभी 5 बजे नहीं है तो 5 बजने वाले, और इस टाइम से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और आज मैंने डाला है, टॉप डाली हूँ और जेगिंग डाली हूँ, और टॉप में ये मेरा बहुत पुराना टॉप है। एक्चुअली ये दो साल से ऊपर का हो गया ये टॉप, ये वाला। तो आज बस मैंने ये टॉप डाला है और स्पर्श अभी लगा हुआ है खेलने में, और पता है वो क्या चीज खेल रहा है? आलू और प्याज से खेल रहा है। आलू को वन साइड कर रहा है एंड प्याज को वन साइड कर रहा है, बस यहीं पे वो बैठा हुआ और खेल रहा है। उसको थोड़ी सी अभी खांसी है उसको। आज मैं आप लोग के साथ कुछ स्पेशल आप लोग के लिए शेयर करने वाली हूँ, और एक ये रिक्वेस्ट आई हुई थी कि मैं होली के लिए कुछ स्पेशल शेयर करूं आप लोग के लिए, मीन्स कोई रेसिपी पकवान जो भी होली में बनाते हैं। तो एक्चुअली मेरे साइड में जो भी बनता है ना घर पे, वही मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। हमारे साइड में खस्ता बनता है, मटरी बनती है, या फिर गुजिया बनता है, या फिर नमकीन पारे होते हैं वो सब बनता है, ये सब बनता है, या फिर गुलाब जामुन, दही बड़े। तो मैं दही बड़े तो मैं होली के दिन बनाऊंगी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और क्योंकि वो थोड़ा सा लेट जाएगा वो दही बड़े वाली, बट मैं सोच रही हूँ कि आप लोग के लिए मैं होली के पहले कुछ लेके आऊं रेसिपी, जो आप लोग की रिक्वेस्ट पे मैं लेके आ रही हूँ। आप लोग इस ब्लॉग को देखते रहिए, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज खस्ता की रेसिपी, जो मेरी मदर इन लॉ बहुत ही अच्छा बनाती है। सो मैं मदर इन लॉ से, और मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा बनाती है, सो मैं दोनों लोग का मिक्सअप में बनाऊंगी वो लोग कैसे बनाते हैं। तो मैं इन लोगों से ही सीखी हूँ, और मैं भी शायद अच्छा बना लेती हूँ, ये तो आप लोग बताओगे कि मैं अच्छा बनाई हूँ कि नहीं। तो आप लोग को ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज आप बताना जरूर नीचे कॉमेंट सेक्शन में कि अच्छी बनी है कि नहीं। तो बस मैं अब स्टार्ट करने वाली हूँ। अभी मैं किचन में सोची कि चलो मैं अब बनाना स्टार्ट ही कर देती हूँ, और ये वीडियो जो है मैं कल सुबह तक आप लोग को अपलोड कर दूंगी, मीन्स होली से पहले। मैं तो यही सोची हूँ कि मैं अपलोड कर दूंगी। तो बस यही है आप लोग के लिए स्पेशल, और आप लोग के बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोग के कमेंट्स देख के, मीन्स जब मैं रीड करती हूँ इतना अच्छा लगता है। और बस चलिए अब मैं चलती हूँ किचन में, और पहले जो थोड़ा सा काम है किचन की, थोड़ी सी क्लीनिंग करूंगी, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूंगी। और मुझे थोड़े से बर्तन भी अभी धोने हैं, तो बर्तन धोने के बाद फिर मैं ये जो मुझे खस्ता बनाना है ये मैं स्टार्ट करूंगी। तो चलिए मैं चलती हूँ अभी किचन में। इसमें मैं ऐड करूंगी रिफाइंड ऑयल, और उसके बाद मैं इसमें चीनी रख ली हूँ, और ये दूध रख ली हूँ, और इसमें मैं नारियल का जो बुरादा होता है उसको भी मैं इसमें ऐड करूंगी। और तो चलिए पहले मैं रिफाइंड डाल लेती हूँ। और रिफाइंड इतना डालना है जब हम इसको पूरा अच्छे से हमें इससे मिक्स करना है ऐसे ऐसे हाथों से, और जितना अच्छा मिक्स होगा उतना अच्छा हमारा जो खस्ता होता है ना वो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ऐसे मैं मिक्स कर ले रही हूँ। और ये देखिए अभी ये मुट्ठी में हम बांधेंगे ना तो ये बंद जाना चाहिए हल्का हल्का, तो ये देखिए बिल्कुल भी नहीं बंद रहा है। तो मैं और अभी इसमें रिफाइंड ऑयल डालूंगी, और इसी से पता चलता है ना कि हमें कितना मोयन डालना है। अगर हम जितना रिफाइंड या घी जो भी आप यूज कर रहे हैं तो मुट्ठी में ऐसे बन जाना चाहिए, हल्का सा, ज्यादा नहीं बनना चाहिए। उसी से पता चल जाता है कि हमारा जो मोयन है वो अच्छे से हम डाल चुके हैं। तो थोड़ा सा और मैं ऐड करूंगी, और फिर उसके बाद मैं इसको मिक्स करने के बाद फिर मैं चेक करूंगी। और इसमें मैं अभी डाली हूँ इलायची का पाउडर, मैं इसमें डाली हूँ, और मैं थोड़ा सा नारियल का बुरादा भी ऐड कर ली हूँ इसी आटे में। और
ये देखिए हमारा जो मोइन है ना वो बिल्कुल देखिए ये देखिए मैं बांध के दिखा रही हूँ, ये पूरी अच्छी तरह से बन जा रहा है ये, और ये टूट भी जा रहा है बट बांधने पे ये अच्छी तरह से बन जाना चाहिए। मीन्स मेरा जो मोइन है ये देखिए मैं बांध दे रही हूँ, मीन्स मेरा जो मोइन मैंने डाला है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है इसमें। तो बस ये अब मैं थोड़ा सा और मिक्स कर लूंगी और उसके बाद में डालूंगी चीनी। अब इसी आटे में मैं डालूंगी चीनी, और जितना हमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी रखना है, मीन्स बहुत लोग कम मीठा खाते हैं बहुत लोग ज्यादा मीठा खाते हैं, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं चीनी को, और मैं वैसे ही डाल रही हूँ। और बस मैं देखिए चीनी थोड़ा सा मैं कम खाती हूँ तो मैं थोड़ा सा कम डालूंगी। तो ये देखिए मैंने इतना चीनी डाल लिया है, और इसके बाद मैं इसी साइड में जिधर मैंने एक साइड में किया था मैं मैदे को एक साइड में रख ली हूँ और चीनी को एक साइड में रख ली हूँ, और इसी चीनी में मैं ऐड कर दूंगी ये मिल्क। इसमें मैं हल्का सा मिल्क ऐड करूंगी, ज्यादा नहीं करना है, और ये मिल्क ऐड कर दी उसके बाद इस चीनी को अच्छे से मिलाना है। ऐसे बस मैं मिलाऊंगी, थोड़ा सा ज्यादा नहीं मिलाना है, बस थोड़ा सा होता है ना चीनी सॉफ्ट हो जाए, हल्का हल्का मेल्ट हो जाए, पूरा नहीं मेल्ट करना है। और ये देखिए चीनी सॉफ्ट हो गया, और फटाफट अब मैं मैदे को इसमें मिक्स कर दूंगी। और बस मुझे इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है, बस बस थोड़ा सा मैं दूध डाली हूँ, ज्यादा दूध भी नहीं डाली हूँ, और इसी से मुझे मिक्स करना है। अगर हाँ जो ज्यादा ड्राई हो तो आप और थोड़ा सा मिल्क मिला सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अभी भी ड्राई है और मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क और ऐड करूंगी। देखिए मैंने ऐसे मिक्स कर लिया, और हमें इसे आटे की तरह नहीं गूंदना है, जस्ट ऐसे ही रहेगा। और उसके बाद मैं इसको ऐसे 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 कर दे रही हूँ एक जगह, मीन्स मैंने इसको ऐसे कर दिया, और स्पॉन्ज भी यहीं पे आ गया। क्या आटा नहीं है बिट्टू? आटा नहीं है, ये क्या करोगे, इससे नहीं बनता है ना, कुछ भी नहीं बनता ये लो। तो बस ये बन गया है, धीरे धीरे जो चीनी है वो पिघलेगा, तो ऐसे हमें गोल गोल बना के और बस ऐसे कर देना है हमें। अब मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दी थी, और उसके बाद ऐसे मुझे गोल शेप में बनाना है, और हाथ से ही ऐसे बना के, और उसके बाद हल्का सा ऐसे दबाना है, और देखिए ये इस शेप में रहना चाहिए, और ये ऐसे है पेड़े की तरह हमें बना के और इसमें रख लेना है। और फिर इसको भी मैं अब थोड़ा सा क्या ना चीनी थोड़ा सा सॉफ्ट ज्यादा होने लगा है, तो मैं जल्दी जल्दी इसको बना लूंगी। गरम हो गया है, और मैं इसका शेप दिखाती हूँ, इतना सा मैं बना ली हूँ, ऐसे बनाना है बिल्कुल पेड़े की तरह। नो स्पॉर्च, क्या है खाने वाले, अभी मैं देती हूँ आपको फ्राई करके। स्पॉर्च मांग रहा है इसको कि मुझे दे दो खाने के लिए, बोलो दे दो, अभी नहीं खाते हैं ना, ये नहीं खाते हैं लो। तो ये देखिए इसका शेप जो आप देख रहे हैं, एकदम छोटा छोटा बनाएंगे तो और भी अच्छा ये बनता है, जितना आप छोटा बनाएंगे ना उतना अच्छा बनता है। तो ये देखिए अब मैं इसको फ्राई करने को डाल देती हूँ, और जो दूसरा जितना आटा बचा है ये फ्राई होते रहेगा और मैं इसको बनाते रहूंगी। तो चलिए फ्राई कर देते हैं। फ्राई हो गया है, अब हमें इसको धीरे से पलटना है, ज्यादा तेज से नहीं पलटना है, नहीं तो ये टूट जाएगा। और बस अब चेक कर लेते हैं हुआ है कि नहीं, और ये बहुत जल्दी टूटता है तो इसका ध्यान रखना है हमें। ये देखिए मैंने पलट ली, और स्पर्श आप पीछे रहो,
और स्पॉन्ज भी आपके देख रहा है, इसको खाने की पड़ी है जल्दी से, तो बस मैं एक बन जाएगा फिर मैं इसको दे दूंगी खाने के लिए, क्योंकि बच्चा है और जब ये देखता है ना कि मैं कुछ बना रही हूँ तब ये खाने के लिए रोने लगता है। तो ये देखिए एकदम धीरे से पलटना है हमें, थोड़ा भी ना जल्दबाजी नहीं करना है इसको पलटने में। और ये बिल्कुल बिस्किट की तरह लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे बिस्किट बनता है ना वैसे ही बिल्कुल इसका टेस्ट होता है। कलर काफी अच्छा आ रहा है और बस इसमें मोइन का हमें ध्यान रखना है। और इतना सारा मैं बना के रख ली हूँ और फिर स्पर्श भी परेशान कर रहा है, यहाँ पे स्पर्श यहीं पे खड़ा नहीं कि आप कढ़ाई से दूर रहो। आप इसको होली पे जरूर ट्राई करिएगा एक बार, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए अब ये फ्राई हो गया है लगभग और मैं इसको निकाल लेती हूँ। और आप इसका कलर देख सकते हो, ये बस हो गया है, अब मैं इसको निकाल ले रही हूँ। और अभी आप इसको तोड़िएगा तो ये टूटने लगेगा, थोड़ा सा ठंडा होगा ना उसके बाद ये बहुत ही अच्छा हो जाता है। अभी आप इसको खाएगा तो आपको लगेगा कि ये कच्चा है, बट कुछ देर बाद बहुत अच्छा हो जाता है ये। तो मेरा जो खस्ता है वो देखिए ये बिल्कुल बनके रेडी हो गया। और इसका कलर देखिए कितना अच्छा, व्हाइट और गोल्डन गोल्डन, बिल्कुल गोल्डन कलर में इसका कलर आया है और बहुत ही अच्छा लगता है। और एक बार बस लास्ट मेरा फ्राई हो रहा है। तो ये आप लोग जरूर होली पे बनाइए और ये मैं आप लोग की रिक्वेस्ट पे लेके आई हूँ, जो आई थिंक आप लोग को पसंद आएगा। आपको बस इसमें एक बात का ध्यान रखना है, मोइन आपको अच्छे से देना है और पलटने के टाइम जब हम खस्ते को पलटेंगे उस टाइम पे आपको ध्यान देना है कि बहुत ही स्लो से पलटना है, एकदम फास्ट है, जल्दी जल्दी में नहीं करना है हमें, नहीं तो ये टूटता है। और जब ये पूरा ठंडा हो जाता है उसके बाद हल्का सा ये हार्ड होता है, बट उतना हार्ड नहीं होता है कि टूटे ना। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। सो होली पे आप लोग इसको जरूर बनाइए और ट्राई करिए। तो चलिए ये दूसरा बन रहा है और उसके बाद मैं स्पर्श को दे देती हूँ खाने के लिए, क्योंकि स्पर्श काफी देर से परेशान है, जब से मैं बना रही हूँ तब से आके वो यहाँ खड़ा हो रहा है कि कब मिलेगा कब मिलेगा। तो मैं उसको एक प्लेट में छोटे से बाउल में निकाल के मैं उसको दे देती हूँ। तो चलिए अब मिलती हूँ आपसे थोड़े टाइम बाद। तो मैं खस्ता जो बना रही थी वो बिल्कुल रेडी हो गया और मैं उसको किचन में ठंडा होने के लिए रख दी हूँ। और बस मैं अब रात के लिए मैं पालक तोड़ने जा रही हूँ, पालक और आलू की सब्जी बनाऊंगी मैं रात में। और बस दो पालक के मतलब गुच्छे होते हैं ना वो ये लेके आए थे, तो एक पालक में हो जाएगा और मैं आलू भी उसमें मिक्स करूंगी और बस उसको तोड़ना है मुझे। उसके बाद मैं बस इसको सब्जी भी बना लूंगी क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड के घर एक जाऊंगी, क्योंकि वो मेरे को कॉल की थी आज आना, तो फिर मैं जाऊंगी क्योंकि इसलिए मैं सब्जी बना दूंगी कि उधर से लेट से अगर आई मैं तो सब्जी मेरी बनी रहेगी, तो ज़्यादा मेरे को काम नहीं रहेगा। और देखती हूँ अगर मैं वहां से पहले आ गई फिर मेरे को शॉपिंग पे भी जाना है। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. सब्जी 5 मिनट में बन जाएगी, उसके बाद सब्जी मैं बंद कर दूंगी। अभी मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ। आप लोग को ये ब्लॉग कैसी लगी? और इसमें बस मैं एक रेसिपी शेयर करी हूँ और कुछ नहीं। सो मैं ये ब्लॉग जल्दी जल्दी आप लोग के लिए बना रही हूँ। सो आप लोग कैसी लगी प्लीज आप लोग जरूर बताना। और फिर मैं हैप्पी होली इन एडवांस टू ऑल माय स्वीट से सब्सक्राइबर एंड माय फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर।